नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव। आज आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट बना सकते हो। जी हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, बैंक के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, रेलवे के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, SSC के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो जरूरी है कि आपको प्रैक्टिस टेस्ट की जरूरत पड़ती होगी। और हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि उस प्रैक्टिस टेस्ट को आप फ्री में कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दो ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, वो भी फ्री में टेस्ट बना सकते हैं। जो आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, आपके फ्रेंड दोस्त रिलेटिव जो भी होंगे, उनको आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में कैसे हम लोग फ्री टेस्ट बना सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको करना कुछ नहीं हो, एक आपको tdatest.in करके आपको गूगल में सर्च करना है। वहां पे आपको एक मिलेगा पेज जहां पे लॉगिन का ऑप्शन होगा। लॉगिन के जस्ट नीचे एक ऑप्शन है जहां पे आपको लिखा है रजिस्टर एंड गेट टू फ्री टेस्ट। ओके, वहां पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा कुछ फॉर्म फिलअप करने का डेटा, जहां पे आप अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और डिटेल जो भी रहेगा आप फिलअप कर लीजिए। वहां पे याद रखिए एक रेफरल कोड का ऑप्शन होगा जो कि कंपलसरी नहीं है। वो रेफरल कोड मैं बाद में बताऊंगा कि इसका यूज आप कैसे कर सकते हो, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। आप पहले डेटा को डालिए, उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपको एक आएगा OTP पिन। OTP पिन यानी कि आप जिस मोबाइल नंबर पर आपने रजिस्टर किया होगा उसी पे आपको वो पिन आ जाएगा। वो पिन आ जाने के बाद उस पिन को डालने के बाद सबमिट कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब उसके बाद आपको अपना पासवर्ड जो भी वहां पे डाला होगा उस पासवर्ड को याद रखना है। और नेक्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर करोगे, जब उस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपका यूजर नेम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड के तौर पे आपने जो पासवर्ड डाला होगा उस पासवर्ड को लेगा। वो डिटेल डालने के बाद आपको एक पोर्टल ओपन होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पोर्टल आपको दिख रहा होगा वही पोर्टल सेम टू सेम आपको ओपन होगा। अब उस पोर्टल में करना क्या है, वहां पे आपको एक फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। राइट, दिख रहा है सबको, फ्री टेस्ट का ऑप्शन है जिस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद वहां पे आपको सारे के सारे एग्जाम्स एक लाइन से दिख जाएंगे, जहां पे बैंक, SSC, रेलवे और सारे तमाम एग्जाम्स आपको वहां पे दिख रहे होंगे। तो आप ऐसे पा सकते हैं फ्री में टेस्ट सीरीज। अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सारे के सारे एग्जाम्स के लिए फ्री में टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये वीडियो रहा आपका फ्री में टेस्ट कैसे प्राप्त करें, इसका पूरा डिटेल आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों, आप देरी ना करते हुए इस प्रोसीजर को फॉलो करो और फ्री में टेस्ट का लाभ उठाओ। और हाँ, आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप फोन में बनाना चाहते हैं तो हमारा एक एप्लीकेशन भी अवेलेबल है TDATest के नाम पे, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां से जाइए, आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे ऑलरेडी रजिस्टर किए होंगे तो अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपको एक OTP पिन आएगा। OTP पिन सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब उसके बाद होगा क्या कि आपको बार बार यूजर आईडी और पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पोर्टल हमेशा ओपन होगा और आप एप्लीकेशन पर जाके डेली का डेली टेस्ट बना सकते हो, डेली क्यूज भी बना सकते हो, करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल भी आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगा, इसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।